वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको PSY403 के मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। सो एरिस्टोटल के मुताबिक जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस है इज टू नो समथिंग नोबडी एल्स नो, यानी कि कुछ ऐसा जानना जो कि कोई और नहीं जानता, कुछ ऐसी चीज़ जानना, ये है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो और ये बहुत एप्रोप्राइट भी लगता है क्योंकि नॉलेज से पावर मिलती है और इन्फॉर्मेशन जो कि हम हासिल करते हैं रिसर्च से रिड्यूस करती है अनसर्टेनिटी भी और एम्बिग्यूटी। रिसर्च से ही सारी बातें हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन। सो रिसर्च को डिफाइन किया जा सकता है, रिसर्च इज़ द मेथड ऑफ आस्किंग। रिसर्च क्या है? मेथड है आस्किंग का और आंसरिंग करने का एक क्वेश्चन विद अ सेट ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसीजर। और ये सब किया जाता है सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स के जरिए जो कि असेस करता है रिसर्चर्स को इन अवॉइडिंग बायसेस, के वो बच जाएं बायसेस से, यानी अपनी बायसेस यूज़ ना करें वो। उसके बाद ये कि व्हाट इज पर्सन परसेप्शन। पर्सन परसेप्शन क्या है? प्रोसेस जिसके ज़रिए हम जानते हैं दूसरों की जो टेम्परेरी स्टेट्स हैं, जैसे कि उनकी इमोशंस, इंटेंशंस और डिज़ायर और एंडरिंग डिस्पोजिशन, और जैसे कि उनके बिलीव्स, ट्रेड्स एंड एबिलिटीज़, वो जाना जाता है पर्सन परसेप्शन के तौर पर। और ये जो टाइप है परसेप्शन की इज ऑफन नॉट अ सिंगल, ये जो है अक्सर जो है वो नहीं होता एक सिंगल इंस्टेंटेनियस इवेंट, बल्कि इसके अंदर जो है वो कई सारे ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं जिनको रफली तौर पे क्लासिफाई किया जा सकता है दो एरियाज में, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कि राइट करें प्राइमरी नीड्स जो कि दी फ्रिट्स हिडर ने। हिडर जो है इमर्ज हुए एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरिस्ट और शेप दिया इन्होंने डेवलपमेंट जो इस थ्योरी का। इन्होंने मेंटेन किया कि ही मेंटेन डेट पीपल, लोग जो मोटिवेट होते दो प्राइमरी नीड से, एक होती है नीड टू फॉर्म अ कोहेरेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड, कोहेरेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड जो फॉर्म करना, और नीड टू गेन कंट्रोल, कंट्रोल हासिल करना ओवर द इन्वायरमेंट। उसके बाद ये क्या बात है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? सो इन द फॉलोइंग टू डेफिनेशंस ऑफ सोशल साइकोलॉजी हैज बीन डिस्क्राइब, यानी कि दो के अंदर डिस्क्राइब की गई है। और जो फर्स्ट वन है, पहली वाली जो है वो कोट की गई है मेजोरिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक हैं सोशल साइकोलॉजी की उनके ऊपर। सो सोशल साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है जो कि यूज़ करता है साइंटिफिक मेथड इन एन अटेम्प्ट ताकि अंडरस्टैंड किया जाए और एक्सप्लेन किया जाए कि हाउ द टॉट, कैसे टॉट फीलिंग और जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो इन्फ्लुएंस होता है किससे होता है, एक्चुअल इमेजिन या फिर इम्प्लाइड प्रेजेंस से दूसरों की। और सोशल साइकोलॉजी जो है वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी है कि कैसे इंडिविजुअल्स थिंक करते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं दूसरे लोगों की तरफ, और कैसे इंडिविजुअल्स की टॉट फीलिंग और जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होती है दूसरे लोगों से। उसके बाद ये कि टेक्निक्स लिखे हैं डेटा कलेक्शन की। सो सेल्फ रिपोर्ट है सबसे पहले, यूजफुल है कि मेजर किया जाए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव स्टेट्स जैसे कि एटीट्यूड, इमोशंस, परसेप्शन, जबकि वो रिलाई करते हैं लोगों के खुद के डिस्क्रिप्शन के ऊपर इंटरनल स्टेट के। और इसी ड्रॉबैक की वजह से कुछ लोग प्रेफर करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। सो आर्चिवल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सो अच्छा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी है एक, और एक है आर्चिवल इंफॉर्मेशन। सो कोर्ट रिकॉर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर है, सेंसस है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये टेक्निक्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।